पड़ेगी, हवाओं ने साथ छोड़ा तो जमीन पर ही गिरेगी। माना कि औरों के मुकाबले कुछ ज्यादा पाया नहीं मैंने, मगर खुश हूँ खुद गिरती संभलती रही पर किसी को गिराया नहीं मैंने। Hey guys, this is Rakshita Singh. I'm post professional MBBS student from Midnapur Medical College. So you know what? I just wanted to share my experience. कि last month में मुझे क्या tension हो रही थी, मैं क्या feel कर रही थी। It's like कि एक ऐसा बच्चा जिसके पूरे साल भर अच्छे खासे marks चल रहे हैं, 500 की range में चल रहे हैं, 510, 520, and suddenly उसके marks fall down होके कितने चले जा रहे हैं, 400 की lines में, like 430. It was like मेरे साथ जब मैंने first major दिया, 31st ऑफ मार्च आई गेस, उसमें मेरा स्कोर आया 409, जिसके अंदर फुल सिलेबस आया था, मेरा स्कोर आया था 409. लिटरली आई वॉज शैटर्ड, बिल्कुल सारा, जैसे तुम लोगों को कई बार लगता है ना कि हाँ हम लोग काम करना चाहते हैं लेकिन बहुत कम मार्क्स आए और सारी होप्स बिल्कुल खत्म हो गई है, लिटरली द सेम थिंग आई वॉज फेसिंग। घर पे आई आके मैच किया, मुझे लगा हाँ ठीक हो गया होगा शायद, लेकिन घर पे आई आके मैच किया तो वो मार्क्स इतना नेगेटिव जा रहा है, 40 नेगेटिव जा रहा है, 45 नेगेटिव जा रहा है, बहुत ज्यादा, लाइक इट वॉज रियली टेंसफुल फॉर मी। मैं बहुत ज्यादा टेंशन लेती हूँ, मैं तुम लोगों को बोलती हूँ टेंशन मत लो, लेकिन मैं खुद बहुत ज्यादा टेंशन लेती हूँ। उसके बाद लेकिन उस टाइम पर ना एक चीज थी मन में, बार बार मैं सिर्फ एक ही बात बोलती थी कि अगर आई हूं तो लेकर जाऊंगी, आई हूं तो लेकर जाऊंगी। हर टेस्ट में कम मार्क्स, हर टेस्ट के बाद नेक्स्ट टेस्ट में मेरे 18 मार्क्स इंक्रीज हुए, नेक्स्ट टेस्ट में मेरे फिर 18 मार्क्स इंक्रीज हुए, और हर टेस्ट के बाद मैं पापा को फोन करके यही बोलती थी कि अगली बार देख लेना, अगली बार देख लेना। सबसे पहली बात है, इस पॉजिटिव होप की बहुत ज्यादा जरूरत है कि अगली बार आई विल स्कोर बेटर मार्क्स। मैं उस टाइम पर चल चल के पढ़ती थी, लाइक मुझे इतना ज्यादा क्रैम करने वाला चीज मेरा थोड़ा स्ट्रांग नहीं है, तो मैं चल चल के बोल बोल के पढ़ती थी। मॉर्निंग में 2 o'clock में उठती थी, मैं अपना लिटरली बता रही हूँ, मैं सुबह 2 बजे उठती थी और मैं ऐसा सोचती थी यार कोई भी नहीं जागा हुआ है। इस टाइम पे तुम लोगों को भी लगता होगा कि बहुत ज्यादा हम लोग इतनी मेहनत कर रहे हैं और लोग घूम रहे हैं, लेकिन यार ये सिर्फ कुछ महीने की मेहनत है, सिर्फ कुछ महीने की मेहनत है। मुझे भी ऐसे होता था, सभी लोग सो रहे हैं, मैं 2 बजे उठ के और यहाँ पे चल चल के पढ़ना शुरू, भोंकना शुरू, लिटरली एक अलार्म बजा और मैं वहीं पे खड़ी हो जाती थी। वो होता है जुनून, वो होता है कि हाँ शायद अब कुछ करना है, एक बार में खड़ी हो जाती थी, उसके बाद घूम घूम के करना। एंड अराउंड 15th of April, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि 5-6 मई को मेरा एग्जाम है और 20 दिन मेरे एग्जाम में बचे हैं और मेरे पैरों में छाले पड़ गए थे, बिकॉज मैं चल चल के पढ़ती थी और जो मैं कोटा में प्रिपरेशन कर रही थी एंड वहां पे थोड़ा सा मैं भी घर में मॉइस्चर वगैरह था या फिर कैसे था क्या, आई लिटरली डोंट नो, और मेरे पैर में फंगल अटैक हो गया, पूरा फंगल अटैक हो गया और पूरा जो ये अंगूठा है वो पूरा ऐसे सूज गया था। देन मुझे लगा कि ऐसे ही हो गया होगा बिकॉज बहुत ज्यादा चल चल के पढ़ रही हूँ, तो मैं और मेरी मम्मा, मैं अपनी मम्मा के साथ वहां पे रहती थी, हम लोग डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने मुझे 2000 mg per day, यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि एक पैरासिटामोल 500 mg की होती है, तो ऐसी ऐसी 4 पैरासिटामोल अगर मैं एक दिन में लूं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पैरासिटामोल, बट जो भी उन्होंने मेडिसिन दी वो 2000 mg per day, और मुझे नींद ही नींद आ रही है, कॉन्स्टेंटली मुझे नींद आ रही थी। उस दिन मुझे पूरा दिन नींद आई और मुझे हुआ कि यार 20 दिन बचे और मैं अगर ऐसे बर्बाद कर दिया ना तो मेरे हाथ में कुछ भी नहीं बचेगा। लिटरली मैंने मम्मा को बोला, नेक्स्ट डे मैं उठी, 2 बजे उठी और 1 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर मेरी हिम्मत ही नहीं हुई, मैं वापस से सो गई। मैंने पूरा जो मेरा अंगूठा है उसके ऊपर पूरा पट्टी ऐसे बांध रखी थी, चलने में प्रॉब्लम थी, स्टिल मैं चल चल के पढ़ रही थी। मैं तुम लोगों को बोल के नहीं बता सकती हूँ, लेकिन उस टाइम पर जो जुनून था, जो पागलपन था, उसको वर्ड्स में एक्सप्रेस किया ही नहीं जा सकता है। स्टिल मैं एक ट्राई कर रही हूँ कि मैं तुम लोगों को बता सकूं। और मुझसे उस टाइम पे कोई भी लिटरली ऐसे हो गया था, मॉर्निंग में मैं उठी हूँ, मम्मा 6 o'clock 7 o'clock जिस टाइम भी मैंने मम्मा को उठाया तो मैंने मम्मा को उठते ही एक बात बोली कि मैं ये मेडिसिन नहीं ले रही हूँ बिकॉज इसकी वजह से मुझे नींद ही नींद आ रही है। हम लोग डॉक्टर के पास, वो जिनसे मेडिसिन लेके आए थे उनके पास गए, मैंने बोला कि अगर आपके पास कोई एक्सटर्नल क्रीम है तो आप वो मुझे दे दीजिए, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं लेने वाली हूँ। तो शी वॉज लाइक कि ऐसे ही एक बच्चे ने भी बोला था एंड फिर बाद में अंगूठा भी कटवाना पड़ा था। मैंने सिर्फ एक बात बोली उस टाइम पे, सिर्फ एक दिमाग में था कि भाई अंगूठा कटवा सकती हूँ इस टाइम पे। इतना जो पागलपन होता है ना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, एक चीज समझ आ रही है कि आई हूं तो लेके जाऊंगी, आई हूं तो सिलेक्शन लेके जाऊंगी, सिर्फ एक चीज, यही चीज समझ आ रही थी। एक जो तड़प होती है ना, बहुत बच्चे क्या होते हैं कि वो मेहनत कर रहे होते हैं लेकिन ना, एक जो तड़प होती है ना, तड़प बहुत ज्यादा जरूरी होती है, उस तड़प का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बिना काम नहीं चलता। बहुत तुमने भी देखा होगा कि तुम्हारी क्लास में बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं लेकिन लास्ट में देखा कि उनका सिलेक्शन नहीं हुआ, और वहीं पे एक एवरेज बच्चा, हार्डवर्किंग जो था,
उसने सिलेक्शन दे लिया. मैंने बिलो एवरेज बच्चों को भी सिलेक्शन देते हुए देखा विद देयर हार्ड वर्क, लिटरली विद देयर हार्ड वर्क. तो ये चीज होती है बिकॉज उनके अंदर एक तड़प है. तुम लोगों ने अपनी क्या फेवरेट चीज छोड़ी? तुमने कभी सुना है कि जितना अभी हंस रहे हो बाद में उतना ही रोगे? तो मैं वही ये बात बोलती हूँ कि जितना अभी रो रहे हो, जितनी प्रॉब्लम्स अभी फेस कर रहे हो, उतनी ही बाद में खुशी होने वाली है. जो इस टाइम पे ज्यादा रो रहा है, जिसको इस टाइम पे ज्यादा तकलीफें हो रही है, इसका मतलब है कि उसके पास ज्यादा खुशियां आने वाली है. मैं ये चीज मानती हूँ, ये चीज सच है कि नहीं है उसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता है. उसके बाद मैंने वो दवाई के लिए मना कर दिया, एक्सटर्नल क्रीम लिया, उसको अप्लाई किया. बहुत ज्यादा टाइम लगा ठीक होने में, नीट के बाद तक ही वो चलता रहा. वो उस टाइम पे क्योर नहीं हुआ, उसमें दर्द भी होता था, लेकिन मैं स्टिल घूम घूम के पढ़ना, और मुझे आदत है कि बहुत ज्यादा जोर से बोल के पढ़ती हूँ, बहुत ज्यादा जोर से बोल के पढ़ती हूँ. तो ऊपर लाइक हमारे ऊपर जो रहते थे वो भी बोलते थे कि रात को कौन इतनी जोर जोर से बोल के पढ़ता है. तो इट वॉज कि उनको भी यह था कि हाँ बच्चा मेहनत कर रहा है. और उसके बाद क्या हुआ, ऐसे चल रहा था, मार्क्स मेरे पूरे मंथ 400 की लाइन से 500 को टच ही नहीं कर रहे थे, बिल्कुल भी टच नहीं कर रहे थे 500 को. और बीइंग इन अ स्टेट लाइक हरियाणा दिल्ली, तो यहाँ पर हम लोगों को बहुत अच्छा स्कोर करना पड़ता है जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए, काफी ज्यादा 550 प्लस, तो दैट वॉज मस्ट फॉर मी. और जब मैं एलन की टेस्ट सीरीज में, सभी बोलते हैं कि टेस्ट सीरीज में इतने मार्क्स आएंगे तब आपका इतना हो पाएगा, उसमें स्कोर नहीं कर पा रही हूँ, तो यू गाइज कैन अंडरस्टैंड. तुम लोगों को भी वो प्रेशर फील होता होगा, मुझे भी वो प्रेशर फील हुआ था कि मैं जब यहाँ स्कोर नहीं कर पा रही हूँ, पूरा साल में कर रही थी और अब नहीं कर पा रही हूँ, तो उस चीज का प्रेशर जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है. लास्ट का जो हुआ था, लास्ट का मेरे फिजिक्स में मार्क्स बढ़ते हैं, बायो में घट जाते हैं, उधर बढ़ते तो उधर घट जाते हैं. उसके बाद लास्ट में मेरा स्कोर, जो लास्ट एग्जाम था उसमें मेरा स्कोर थोड़ा सा बढ़ा बस, और उसके अंदर मेरा जो स्कोर रहा वो सिर्फ उसी के अंदर मेरे मार्क्स जो है वो 500 को क्रॉस किए, उसके अलावा किसी भी सब्जेक्ट किसी भी पेपर में मेरे 500 क्रॉस नहीं किए थे. फिर इट वॉज अराउंड सेकेंड में, एंड मैंने सोचा 2-3 दिन बचे फाइनल, मुझे मॉर्फोलॉजी के अंदर कुछ याद नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा टीचर के पास एक बार चली जाती हूँ एलन में, वहां पे पूछ लूंगी. वहां जब मैं गई तो मुझे मेरा एक दोस्त मिला, एंड मैंने उससे ऐसे जस्ट जनरल बात कर रहे थे, तो उसने बोला कि लास्ट टेस्ट जो था ना उसमें बायो काफी टफ थी. सो आई वॉज लाइक ओ शिट, ये काफी इंटेलिजेंट है, वो काफी इंटेलिजेंट है. तो मुझे लगा कि हाँ उसने बोला है कि लास्ट जो टेस्ट था वो काफी टफ है. तो मेरे भी कम मार्क्स आए थे, मेरे उस टेस्ट में 251 मार्क्स थे बायो के अंदर 251 मार्क्स थे. तो मुझे लगा कि हाँ मेरे भी कम मार्क्स आए हैं, और इसका मतलब इसके भी कम मार्क्स आए हैं. तो मैंने बस ऐसे ही पूछ लिया, लास्ट में चलते चलते मैं उससे पूछ लिया, अच्छा तेरे ये तो पता मार्क्स कितने आए हैं. ही वॉज लाइक 340, एंड ही वॉज सेइंग कि काफी ज्यादा टफ था. आई वॉज इन कम्प्लीट डिप्रेशन उस दिन, मैं पूरा दिन घर नहीं गई. मैं मॉर्निंग में 8 o'clock आई थी, मैंने मम्मा को बोला था कि मैं 10 बजे तक वापस आ जाऊंगी, और मैं 3 या 4 बजे तक, मेरी मम्मा मुझे ढूंढने आ रही है आइलैंड के अंदर, और मेरे नाम से बुला रही है, और कोई और रक्षित है वो लाके खड़े कर रहे हैं, मेरी मम्मा को मैं नहीं मिल रही. यू गाइस कैन अंडरस्टैंड कि कितना ज्यादा टेंशन, कितना ज्यादा डिप्रेशन उस टाइम पे मुझे था. आई वॉज लाइक की ऑल माई हॉप्स आर शैटर्ड, 3-4 दिन नीट के बचे हैं, और बिल्कुल डिप्रेशन में. घर आई, आने के बाद मम्मा ने देखा तो फिर समझाया, उसके बाद टीचर से बात करवाई तो उन्होंने समझाया, फिर थोड़ा सा दिमाग में आया. उसके बाद साथ में क्या हुआ, इतना ज्यादा वो करने की वजह से और टेंशन बहुत ज्यादा ले रही थी उसकी वजह से मेरे दिमाग में यहाँ पे पता नहीं क्या हुआ कि एक इस पोर्शन में बहुत ज्यादा दर्द रहने लग गया, बहुत ज्यादा दर्द रहने लग गया था, पूरा हर टाइम पे हेडेक. लेकिन उसके बाद भी मैंने लाइक 4 या 5 दिन पहले नीट के पापा को ये बोल दिया था, पापा मुझसे और नहीं हो रहा है. लिटरली मैंने पापा ये लाइन बोली थी, मुझसे और नहीं हो रहा है. लेकिन पापा ने बस एक बार बोली, बेटा सिर्फ 5 दिन और 5 दिन मैंने किया, और आज मैं उसी मेहनत के दम पे बोल पा रही हूँ कि हाँ भाई मैंने मेहनत करी थी. अगर मेरा नीट में सिलेक्शन भी नहीं होता ना, तब भी मैं आज खुश होती, बिकॉज मुझे ऐसा पता है कि मैंने मेहनत करी थी. अब सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ उसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने मेहनत की थी, मुझे सिर्फ इतना पता है. तुम लोगों को भी मैं यही बोलूंगी, सिलेक्शन होगा या नहीं होगा वो चीज बाद की बात है, लेकिन मन में गलती से भी ये रिग्रेट ना जाए, ना मेरे पेरेंट्स को रिग्रेट होगा, बिकॉज मेरे पेरेंट्स को भी पता है मैंने मेहनत की थी. उन लोगों ने भी बस ये बात बोली थी कि हम लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बिकॉज बच्चे ने मेहनत की थी. ऐसे ही मुझे भी कोई रिग्रेट नहीं है, तुम लोगों को भी बस यही बोलूंगी, इतनी मेहनत कर दो जितनी जान है लगा दो, सारी लगा दो. बस लास्ट में कुछ भी हो, सिलेक्शन हो या ना हो, डजंट मैटर, और रास्ते बहुत हैं, और चीजें बहुत हैं, वहां पे जाएंगे, लेकिन मन में ये रिग्रेट ना रह जाए कि मैं कर सकती थी. अगर दिमाग में ये चीज आ गया ना, मैं कर सकती थी या कर सकता था, उस दिन जो दिक्कत होगी, उस दिन जो रिग्रेट होगा, उस दिन देख लेना, खुद को माफ नहीं कर पाओगे.
बिल्कुल हॉपलेस फील करोगे। सो ये मैंने सिर्फ अपनी स्टोरी शेयर करने की कोशिश की और